شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا. अल्लाह जब हमें बहुत बड़ी नेमत से नवाजता है तो दो तरह के रवैये हमारे सामने आते हैं, यानी दो तरह के एटीट्यूड। एक तो ये है कि अल्लाह का बहुत शुक्र है कि मैं इस काबिल तो नहीं थी कि अल्लाह मुझे ये नेमत अता करता, अल्लाह का बहुत फजल है, उसकी रहमत है और उसी का करम है। बेशक हर किस्म की तारीफ अल्लाह के लिए है और शुक्र भी अल्लाह के लिए ही है। दूसरे में मैंने बहुत मेहनत की, बहुत सब्र किया, मैं ये डिजर्व करती हूँ कि मैं हूँ ही इस काबिल के ये नेमत मुझे मिले, यानी सारा का सारा क्रेडिट अपने आप को देना। फिर क्या होता है, जो शुक्र अदा करता है उसकी नेमत उसके पास ही रहती है, इसमें बरकत और रहमत बढ़ जाती है और वो इसकी कदर भी करता है। दूसरे केस में नेमत में इजाफा तो नहीं होता, बरकत भी खत्म हो जाती है, रहमत का नज़ूल भी नहीं होता। वो शख्स उस नेमत की कदर नहीं करता और वो इससे दूर चली जाती है। फिर वो नेमत उसके सामने किसी और को दे दी जाती है, तब उसको एहसास होता है कि मुझसे क्या छीन गया, अब इस नेमत की जगह वो कभी नहीं भर सकता। सूरह इब्राहिम आयत नंबर 7 में इरशाद रब्बानी है, लाइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, यकीनन अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें जरूर ही ज्यादा दूंगा।